दोस्तों, ब्रह्मन ट्रैवल डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद फिर से आ गया हूँ एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ। अब तक मैं महाराष्ट्र भ्रमण श्रृंखला में भीमा शंकर, कोल्हापुर और रत्नागिरी के वीडियो दे चुका हूँ। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गणपति बुले से जयगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जो कि गणपति बुले से 14-15 किलोमीटर दूरी। जयगढ़ फोर्ट जाते हुए गणपति बुले से एक करीब 8-10 किलोमीटर आए। ये एक बहुत ही खूबसूरत बीच है। देखिए, गांव में देखिए, ये नीचे में गांव है, मछुआरों का गांव है, और सामने में एक मंदिर है, और ये जो नदी है ये देखिए आप समुद्र में मिल रहा है। जैसा आपको बताया कि गणपति बुले से अभी किले की तरफ जा रहे हैं, और इसमें जय विनायक टेम्पल है सामने में। ये जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री द्वारा मेंटेन किया हुआ है, एक बहुत ही खूबसूरत लॉन के अंदर पे है। जैसा आप देख रहे हैं, ये जय विनायक टेम्पल है। जय विनायक टेम्पल की स्थापना 2013 में हुई थी, जिंदल ग्रुप, जैसा बताया है, जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा। जस्ट सी द ब्यूटीफुल हार्ड वर्क मॉडर्न टेंपल्स। जब गणपति बुले आएंगे तो यहाँ जरूर आइएगा, देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के मेन कंपाउंड में पहुंच गया हूँ। मूसक महाराज उनके वाहन बैठे हुए हैं। चलिए मंदिर के अंदर में चल के दर्शन करते हैं। बहुत ही साफ सुथरा मॉर्निंग का समय है, और इस तरह से गणेश जी के दर्शन होना। जय गणपति बाप्पा मोरिया, बहुत ही सुंदर मंदिर है, और भक्ति से मन परिपूर्ण हो जाता है। और बाहर ये सफाई का काम चल रहा है, जैसा देख रहे हैं। इस कंपाउंड के अंदर में एक छोटा सा तालाब है, देखिए, और इसमें कलरफुल बहुत ही खूबसूरत फिशेस है जो देख सकते हैं आप। जयगढ़ फोर्ट के बिल्कुल सामने खड़े हैं, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। जस्ट ये आउटसाइड का जयगढ़ फोर्ट का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था, और इसे बीजापुर के राजाओं ने बनाया था। इसके बाद ये नीलकेश के संगमेश्वर के पास चला गया, जिन्होंने बीजापुर राजाओं से जीता था, और उसको उन्होंने पुर्तगालीज को भी हराया था। 1583 में ये बीजापुर को हराए थे राजाओं को,
और 1585 में ये लोग पुर्तगालीस को हराए थे और 1818 में अंग्रेजों ने इसे बिना लड़े ही ले लिया था। रायगढ़ का यह तो किला एकदम पूरा खंडर हो चुका है, 400 साल पुराना जो है। जो दिख रहा है टूटा फूटा ही रह गया। पीछे देखिए समुद्र दिख रहा है, पीछे में दूर में से लगा हुआ देखिए पूरा ब्लू अरेबियन सी यहाँ से दिख रहा है। और ये फैक्ट्री है जिंदाल की विद्युत बनाने की। टूरिस्ट ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक दो घूमने देखिए क्योंकि मंडे का दिन है एक्चुअली आज। यहाँ कहीं पर लाइट हाउस था, शायद यही लाइट हाउस है पुराना। कुछ बैठे हुए पक्षियों के समूह को देख सकते हैं जो तार पे बैठे हुए किले के अंदर पे। और इसी किले के अंदर में एक मंदिर है जो कि गणेश जी की मूर्ति है। ओम गणेशाय नमः। तो कितना दिन से यहाँ पर है? मैंने कहा 3 साल से आप यहाँ आते हैं। मैंने कहा यहीं रहते गणेश जी के मंदिर पे कि और कहीं पर जाते आते हैं? और नजदीक में ही घर है आपका। इस किला को देखने वाले यही एकमात्र आदमी दिखे। अब तो बस ये खाली खंडहर ही रह गया और आज तो ये झंडा खाली लहरा रहा और कुछ भी नहीं। ये जो लाइट हाउस बोला था तो इस लाइट हाउस में पहुंच गए हम। ये लाइट हाउस आज भी चलता है और आते जाते हुए जहाज को मार्गदर्शन करता है। हटेश्वर मंदिर के ठीक सामने में ये पूरे समुद्र के किनारे पे है, यहाँ से उतरना पड़ेगा। और चलिए चलते हैं, ये शिव जी का मंदिर है, जयगढ़ में ही है और बिल्कुल जिंदल फैक्ट्री के एक कोने पे है। सीढ़ी से यहाँ उतरना पड़ेगा जिसे समुद्र जो है। ये गणपति जी का मंदिर है, समुद्र दिख रहा है आपको। थोड़ा क्लोज करते हैं। जिंदल एनर्जी की फैक्ट्री का पोर्ट है सर, में भी जहाज वाजा। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। कितना पुराना मंदिर है? 500 साल पुराना है। अच्छा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
कृष्ण और भक्ति में माहौल है। गंगा पूरे भारतवर्ष में एक माता के रूप में पूजा जाता है और इसी भक्ति का स्वरूप यहाँ भी देखने को मिलता है। और गोमुख के दर्शन, जो नेचुरल वाटर का सोर्स है, इसे गंगा के प्रतीक के रूप में पूजा किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, और इस तरह से मैं एकदम समुद्र के अगल बगल पहुंच गया हूं, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ का दृश्य है, मन भर जाएगा। तो दोस्तों, रायगढ़ फूड का ये जर्नी शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई जगह पे। धन्यवाद।